गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एक बार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक अंक किसी संख्या की परिशुद्धता बताता है। क्या बताता है? परिशुद्धता। कि किसी संख्या की परिशुद्धता के बारे में बताता है। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियमों की बात करेंगे कि सार्थक अंक कैसे किया जाता है। पहला नियम क्या है कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक। सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य बोले तो जिसमें शून्य नहीं हो, जैसे 1, 4, 3, 2। तो इसमें क्या हो गए सार्थक अंक? 1, 2, 3, 4। जैसे 3, 2, 9। इसमें कितना हो गए सार्थक अंक? 1, 2, 3। सभी गैर शून्य अंक मतलब इसमें शून्य नहीं होना चाहिए, क्या कह लेते हैं? सार्थक अंक इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगले नियम की बात करते हैं कि प्रथम गैर शून्य अंक के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। कि प्रथम गैर शून्य अंक के सामने के पहले या सामने आने वाले शून्य सार्थकता नहीं दर्शाते हैं। सार्थकता नहीं दर्शाते हैं। नहीं दर्शाते हैं कि इसमें क्या बताया गया? प्रथम गैर शून्य अंक, पहला अंक क्या होना चाहिए? गैर शून्य अंक होना चाहिए के पहले आने वाले शून्य। तो इसके पहले आने वाले जितने भी शून्य होंगे तो वो सार्थकता नहीं दर्शाएंगे। ध्यान रखना, नहीं दर्शाएंगे। तो इसमें कितना हो गया एसएन नंबर सार्थक अंक? 1, 2, 3 ये सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें 3 होंगे, जैसे पॉइंट में आ गया 0.321। तो ये भी सार्थकता नहीं दर्शाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एसएन नंबर 3। ठीक है, साथ ही नोट करते हुए चलना। फिर आगे बात करते हैं कि दो गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थकता दर्शाता है। दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थकता दर्शाता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि दो गैर शून्य अंक होने चाहिए, जैसे 3, 2, 4 के मध्य आने वाला शून्य सार्थकता दर्शाता है। तो ये शून्य सार्थकता क्या करेगा? दर्शाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे एसएन नंबर? 1, 2, 3, 4। इस प्रकार हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगले चौथे नियम की बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु की संख्या दे रखी है तो उसकी सार्थकता क्या होगी। किसी वस्तु की संख्या का सार्थक अंक, किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या, वस्तु या पदार्थ की संख्या का सार्थक अंक क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा। तो पदार्थ की मात्रा क्या हो गई या वस्तु की संख्या, जैसे राम के पास दो पेन है तो दो पेन क्या हो गई? वस्तु की संख्या। तो इसकी सार्थकता क्या होगी? अनंत होगी, अनंत होगी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। जो सभी वैज्ञानिक मान दे रखे होते हैं, सभी वैज्ञानिक मान सार्थक अंक होते हैं या सार्थकता दर्शाते हैं, सार्थकता दर्शाते हैं। जैसे कि दे रखा है 3.25 × 10⁻³। तो ये कोई वैज्ञानिक मान है, तो इसकी सार्थकता क्या होगी? ये तो काउंट नहीं होगा, तो इसमें क्या हो गया 1, 2, 3। तो इसकी SN नंबर कितना हो गया? 3। तो सभी वैज्ञानिक मान सार्थकता दर्शाते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं, लास्ट नियम है कि गैर शून्य की संख्या में बाएं से दाएं जाने पर सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हमें कोई दे रखा है गैर शून्य अंक 6.623 या फिर 0.623, ये कोई हमें मान दे रखता है, तो इसमें SN ज्ञात करना है। इसमें कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। वो इसमें 1, 2, 3 ये पॉइंट के आगे काउंट शून्य नहीं होगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3। वो इसमें 1, 2, 3। इस प्रकार हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। गैर शून्य अंक की संख्या, हमें कोई गैर शून्य अंक की संख्या दे रखी है जिसमें बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं, सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसा अभी हमने बताया था कि 6.23.0, तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर पॉइंट के आगे जो जीरो लगा वो सार्थकता नहीं दर्शाते हैं, तो इसमें क्या हो गया? SN नंबर 3। तो कौन से सार्थक अंक होंगे कि दशमलव के बाद सभी सार्थक होते हैं? जैसे दे रखा है 6.02
थ्री। तो इसमें पॉइंट दशमलव के बाद जो जीरो है सार्थकता दर्शाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ गैर शून्य अंक है, दोनों तरफ गैर शून्य अंक है। तो ये भी बात कर सकते हैं हम कि शून्य के दोनों तरफ गैर शून्य अंक होने चाहिए, गैर शून्य अंक हो तो वह शून्य सार्थकता दर्शाता है, सार्थकता दर्शाता है। जैसे 2006, 2003, 2021। तो इसमें जो जीरो है दोनों तरफ क्या है, जीरो के गैर शून्य अंक, तो ये सार्थकता दर्शाएंगे। कितने हो गए इसमें, चार चार, तो इसमें एसएन नंबर कितने हो गए, सार्थक अंक चार। तो इस नियमों के माध्यम से हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर तरफ। ये जो सार्थक अंक टॉपिक था वो पूरा हो गया। आगे हम बात करेंगे कि रसायन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रसायन विज्ञान का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में है। जैसे कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में व औद्योगिक क्षेत्र में एटसेट्रा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की महत्ता जीवन के सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, कृषि में क्या आ गया, पादप और वनस्पति, पादप व वनस्पतियों में होने वाले रोगों को रसायनों की मदद से ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जैसे कौन सा हो गया, डीडीटी हो गया, ये क्या है, ये एक कीटनाशी है,
डीडीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग मच्छरों को मारने में किया जाता है। मच्छरों को मारने में किया जाता है। ये डीडीटी क्या एक कीटनाशी है? क्या है इसकी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसकी हो गई फुल फॉर्म। जैसे और भी हो गए, जैसे कीटनाशी है, कवकनाशी है, फफूंदनाशी है, कवकनाशी, फफूंदनाशी व कीटनाशी एट्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, आदि रसायनों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो रसायन का इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में महत्व है। फिर हम आगे बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में रसायनों का क्या महत्व है। चिकित्सा क्या हुई? औषधियाँ भी अलग अलग तरह की होती है। रासायनिक हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, एंटीसेप्टिक हो गई। हम रसायनों के बारे में बात करेंगे कि चिकित्सा का महत्व है। दो नंबर है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन का या रसायन विज्ञान का क्या महत्व है? तो हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में कि रासायनिक औषधियों का उपयोग जीव को ठीक करने में किया जाता है, ठीक करने में किया जाता है। चिकित्सा का क्षेत्र बहुत विस्तृत, मतलब बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इसे हम ये बात कर सकते हैं कि रसायनों का ये क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। रसायनों का यह क्षेत्र, रसायनों का यह क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, बहुत अधिक विस्तृत है। जैसे पेनिसिलिन, इसका हो गया एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सिस्प्लाटिन हो गया, क्या हो गया सिस्प्लाटिन क्या है? इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जो कैंसर से ग्रसित रोगी होते हैं उनको ठीक करने में किया जाता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कैंसर रोधी या कैंसर में उपयोगी। OAZT हो गया,
एजेटी की बात क्या हो गई, एजेटी एजिडो थाइमिडीन, एजिडो थाई मिडीन इत्यादि और भी हो सकती है। फिर हम अगली बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या महत्व है। औद्योगिक क्षेत्र में रसायन का महत्व है कि रसायनों की सहायता से हम दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ है वो बनाए जा सकते हैं कि रसायनों की सहायता से दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ रसायनों की सहायता से दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ या वस्तुएं दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं। उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हो गए, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया या फिर इंजन ऑयल हो गया, और औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कल कारखानों में रसायन भी तैयार किए जाते हैं तो उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हो गए हमारे दैनिक जीवन में, साबुन हो गया, डिटर्जेंट, या इंजन ऑयल। इस प्रकार रसायन का या रसायन विज्ञान का महत्व हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया था वो कंप्लीट होता है। हाँ, हम बात कर लेते हैं कि जो केमिस्ट्री की है, रसायन विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखाएं होती है कौन कौन सी है। रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि जो केमिस्ट्री की है महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है। इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई या फिर मेटलर्जी केमिस्ट्री हो गई। पहली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री, चौथी बायोकेमिस्ट्री, और लास्ट METALLURGY केमिस्ट्री। तो ये क्या सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन,
फिजिकल, भौतिक रसायन, बायो केमिस्ट्री, जैव रसायन। ये क्या हो गई? मेटलर्जी केमिस्ट्री, धातुक्रम रसायन, धातुक्रम रसायन। तो ये सब इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हो गई। तो इस प्रकार ये जो हमने चैप्टर शुरू किया था 7 क्लासों में कंप्लीट हुआ, कि हमने किस किस की चैप्टर में बात कर ली थी। तो सबसे पहले हमने द्रव्य की बात की, कि द्रव्य और द्रव्य में क्या बात की, कि द्रव्य 3 प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन वैसे 2 प्रकार से होता है, फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक और रासायनिक। हमने पहले फिजिकल की बात की, भौतिक रूप से 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने स्टोइकोमेट्री की बात की, फिर मोल की, मोल के क्वेश्चन सोल्व किए, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, फिर रासायनिक संयोजन के नियम, मात्र के तुल्यांक की बार, वह मूलानुपाति सूत्र, और लास्ट में हमने आज बात की सार्थक अंग, वह रसायन विज्ञान का महत्व। और ये सब इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले हमने द्रव्य की बात की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात की। फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री की बात की। फिर हमने मोल की बात की, फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, तो द्रव्य, स्टोइकोमेट्री, मोल, लिमिटिंग रिएजेंट और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और लास्ट में तुल्यांक के बार और मूलानुपाति सूत्र। और आज हमने बात कर ली थी कि इम्पोर्टेंट ब्रांचेस और महत्व। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। कल हम विलयन की बात करेंगे। धन्यवाद।